भाई बच्चे आप देख लेते हैं 28 वर्कशीट जो है 7 सितंबर की जो है मैथ की वर्कशीट, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो लास्ट वर्कशीट में हमने देख लिया था सेक्शन फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन हैं मैंने इनके सॉल्यूशन पहले से ही कर रखे हैं, ताकि आप उसको आराम से उसको पढ़ भी सकें और मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनको समझने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर आप देख लें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है कि इसको हमें प्रूव करना है, वो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो हम पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया है, बी सी का डिस्टेंस निकाला है, सी डी, और उसी तरीके से आगे निकाला है मैंने डी ए का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑपोजिट साइड का जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर ऑपोजिट साइड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है। कैसे आपको पता चल रहा है, ये देखिए 3 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे भी 3 यूनिट आ रहा है, और यहाँ पे बी सी का √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है। तो ऑपोजिट साइड जब इक्वल हो जाती है तो उस फिगर को बोला जाता है पैरेललोग्राम। तो ये हो गया आपका पहला प्रूफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला है कि उसको ट्राइसेक्ट करो। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 पार्ट। तो ये देखेंगे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना था, ये हमने कर दिया। तो मैंने अलग अलग ले ली है फिगर, आप भी इस तरीके से ले लें। अगर यहाँ से यहाँ तक एपी तक देखें तो 1 पार्ट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2 पार्ट। तो इसलिए 1:2 का जो रेशियो हुआ, और हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो यहाँ पर जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स और वाई का जो आंसर आ गया वो आ गया -1 और 0। तो हमारा जो पी पॉइंट हो गया वो हो गया -1, 0, और इसी तरीके से क्यू पॉइंट जो हो गया -4, 2। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पिछली वीडियो जरूर देख लें, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था सेक्शन फॉर्मूला। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने बोला था कि ये जो डायमीटर है उसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और साथ में उन्होंने सेंटर फाइंड करने के लिए बोला था। तो हमने क्या करा है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से पहले पी निकाल लिया। तो यहाँ पे पी की वैल्यू जो आ गई वो +-9 आ गई। वो कैसे आई, रूट से बाहर निकलते हुए जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस दोनों होती है। अब मैंने इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो रेशियो है वो 1:1 लगाया। क्यों, क्योंकि जो रेडियस होती है वो दोनों साइड की इक्वल होती है, तो इसलिए इक्वल का मतलब हो गया रेशियो, हो गया 1:1। तो यहाँ पे रेशियो लगाने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई 5/2, और वाई की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि एक बार मैंने लगाया, सॉरी, एक बार मैंने लगाया +9 और दूसरी बार मैंने लगाया -9। तो आंसर आ गया -9/2। तो इसी तरीके से हमारे तीनों आंसर हो चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आज की जो वर्कशीट है थोड़ी सी लेट हो गई, बिकॉज हमें भी थोड़ी सी लेट मिली थी। नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे जल्दी वर्कशीट अपलोड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।